वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स का बायो मंथली जुलाई टेस्ट का सैंपल पेपर सॉल्व, जो कि मिशन समृद्ध से रिलेटेड है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। हम लोगों ने पहले ही वर्कशीट जो मिशन समृद्ध की है वो पहले ही सॉल्व करके अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, उसे भी जाकर जरूर चेकआउट करना, और अच्छी प्रिपरेशन के लिए क्लास 6 एंड क्लास 7 के सैंपल पेपर को भी जरूर चेकआउट करना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए जो है उसमें एक एक नंबर वाले 8 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट बी में दो दो नंबर वाले 6 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। टोटल टाइम जो अलाउ किया जाएगा आपको वो 40 मिनट्स होगा, और पेपर टोटल 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है। जो पार्ट ए है एक एक नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, तो टू डिजिट नंबर का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो 10 होगा, है ना। दो डिजिट हो गया और इससे छोटा टू डिजिट का नंबर नहीं होता। नंबर बिफोर 69 से पहले क्या आएगा, 68। राइट द नंबर आफ्टर काउंटिंग बॉक्सेस बंडल्स एंड स्टिक्स, तो 100 स्टिक जो है, ठीक है, वो इक्वल है 10 बंडल के, वो इक्वल है 1 बॉक्स के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो कितने दिए गए हैं हमें, 1 दिया गया है। इसके बाद जो है वो हमें 2 दिए गए हैं, ठीक है, और जो मैच स्टिक्स है वो हमें 4 दिया गया है, ठीक है। तो 1 बंडल जो था उसके अंदर जो है वो बेसिकली 100 था, है ना, तो ये कितना हो गया, 100 स्टिक्स। इसके बाद यहाँ पे एक एक 10 बंडल का था, मतलब 10 मैच का एक बंडल था, तो ये हो गया टोटल 20, और यहाँ पे 4 1 4, तो टोटल कितना आ गया, 124, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना है, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले 90 आएगा, फिर 77 आएगा, 43, 34 एंड 9, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑब्टेंड इफ वी सब्ट्रैक्ट 94 फ्रॉम 106, 106 में से जब आप 94 माइनस कर दोगे तो आंसर जो है वो क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 में से 4 माइनस करोगे 2 आ जाएगा, 10 में से 9 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12। नेक्स्ट है, यूज द करेक्ट सिंबल 165 एंड 156, तो 165 ग्रेटर है 156 से, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो 234 को 45 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 10530। अगला क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल पिज्जा हैज बीन ईटन बाय हर्ष, तो हर्ष ने कितना जो है वो पिज्जा का पीस जो है वो खाया है, उसने 1 पीस जो है वो खाया है, टोटल जो है वो कितने पीस है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 1/8 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पार्ट बी से है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देयर आर 315 स्टूडेंट्स सिटिंग ऑन अ बेंच इन अ हॉल, इफ 3 स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन ईच बेंच, अगर हर बेंच पे 3 स्टूडेंट बैठे हैं तो 315 स्टूडेंट्स कितने बेंच पे बैठेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये डिवाइड का क्वेश्चन है, तो 315 आ जाएगा यहाँ पर, और इसको 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आपने उतारा, 2 डिजिट इकट्ठे उतार रहे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 3 5 15, ठीक है, तो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 105 बेंचेस, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द गिवन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए इसको डिवाइड किया जाएगा, 21 8, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 8 2 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा, 16 17 18 19 20 21, 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो मतलब कि हमारा रिमाइंडर होता है वो इधर आ जाएगा, जो फ्रैक्शन होगा जो मतलब डिनोमिनेटर होगा वो इस साइड आ जाएगा, और जो आंसर आता है वो इधर आ जाएगा, तो 2 5 by 8 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ अनु सेव्स ₹50 एवरी मंथ, हर महीने वो ₹50 बचाती है, तो एक साल में वो कितने रुपए बचाएगी, तो एक साल में कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 5 कितना हो जाएगा, 60, और ये एक 0 आ जाएगा, ठीक है, तो वो ₹600 जो है वो सेव करेगी, ठीक है, ₹600, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स, तो पैटर्न को ऑब्जर्व करो, 98 88 78, यहाँ पे क्या जाएगा, 68 58 48 38 एंड 28। बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। पे चलते हैं, हाउ मेनी स्क्वेयर्स ऑफ 1 यूनिट आर देयर इन द गिवन फिगर, कितने 1 स्क्वायर के यूनिट है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइट एनी 2 सिमिलैरिटीज इन द गिवन फिगर, तो सबसे पहले फिगर को आइडेंटिफाई करो, तो ये है हमारे पास स्क्वायर, ठीक है, और ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल,
ठीक है। इसके बाद जो इसमें सिमिलैरिटी जो है वो सबसे पहला क्या होगा यहाँ पे कि बोथ हैव फोर साइड्स, ठीक है, दोनों के ही जो है वो फोर साइड्स हैं। और यहाँ पे जो है आप दूसरा जो इसका सिमिलैरिटी जो है वो लिख सकते हो कि एंगल्स, आप ईच इंटीरियर एंगल लिख दो, ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाते हैं हमारे यहीं पे खत्म। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।